एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्लीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कारण है किसी के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फील होना और क्या सोल्यूशन है इस अटैचमेंट से ऊपर उठने का या इस अटैचमेंट ओवरकम करने का क्या कोई सोल्यूशन है। क्यों किसी के साथ इतनी ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रही है, कहाँ क्या है रूट कॉज इसका कारण और कैसे इससे ओवरकम किया जा सकता है, इसके बारे में ये एक वीडियो है। सो अटैचमेंट किसी के साथ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, अत्यधिक, इतनी कि समझ नहीं आ रही इतनी क्यों हो रही है। इसका बहुत बड़ा कारण आपका पास्ट है। आपके पास्ट में डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो इस इंसान के आने की वजह से कुछ ट्रिगर हो गया अंदर और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आपकी सरफेस पर आ रही हैं जिसको कि हील करने की और ठीक करने की ज़रूरत है। तो कुछ आपके पास से जुड़ा हुआ है जिसको कि ये एक्टिव कर रहा है अपनी प्रेजेंस से, ठीक है। थोड़ा डीप है ये बात कि जिससे आप अटैचमेंट फील कर रहे हो उस इंसान की प्रेजेंस की वजह से आपके पास्ट में कुछ ऐसा है जो ऊपर की तरफ उठ रहा है और आपको बेचैन कर रहा है। शायद वो आपको याद भी ना हो कि ऐसा क्या है, बट कुछ है जो आपको हील करना है पीछे जाके। आपके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रॉमा है जो इस इंसान की वजह से एक्टिव हो रहा है अंदर ही अंदर, तो इसलिए इसके साथ बहुत कनेक्टिविटी फील हो सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे पास्ट में, अपने माता से, पिता से या कोई और इसकी प्रेजेंस पास्ट में उस इंसान कनेक्टिविटी करा रही हो, ठीक है। तीसरा, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर दे उस इंसान की तरफ खींचने के लिए और आप बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील करो। आप बहुत ज़्यादा, आपको लगे कि बस ये मिल जाए लड़की या ये इंसान मेरा हो जाए तो बस मेरी ज़िंदगी शायद अपने आप में बहुत कंप्लीट हो जाएगी, बहुत हील हो जाएगी बस। बट ये अपने आप में एक शॉर्टकट है, बिकॉज इस इंसान के थ्रू बेसिकली यूनिवर्स आपका पास्ट हील कराना चाह रहा है और पास्ट में जो वूंड्स हैं या कुछ ट्रॉमाज हैं उनको हील कराना चाह रहा है, जो बेसिकली इस इंसान की प्रेजेंस की वजह से या इस इंसान के ऑन एंड ऑफ या सेपरेशन की वजह से सरफेस पे आ रहा है। तो यूनिवर्स एक बड़ी चीज़ आपसे कराना चाह रहा है और आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही है कहानी, तो आपको सिर्फ ये मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक सुकून आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा आप डीप में रूट कॉज को समझने की कोशिश करो इस चीज़ के। अब सच्ची बता रही हूँ, अगर आप धीरे धीरे, जैसे उस इंसान जो भी है वो आपका ट्विन है, नार्सिसिस्टिक पार्टनर है, जो भी है, एक्स वाई जेड कार्मिक पार्टनर है या कोई रॉन्ग पार्टनर है, जो भी है व्हाटएवर, उसके ट्रिगर के बाद जरूर डेफिनेटली आपको किसी प्रकार की बेचैनी होगी और जब भी आपको बेचैनी होगी आप उस चीज़ को पकड़ो, उस पॉइंट को पकड़ो कि ये क्या है, इतनी घबराहट किस बात की, इसका मेन कारण कहाँ पे है पीछे, और आप वो हील करो या करने की कोशिश करो। अगर आपको आता है तो करो, नहीं आता तो आप इस तरीके के कोई भी एक्सपर्ट है उनसे कनेक्ट करो और जाओ उसके रूट कॉज में और करो उसे साफ। देखना आपको कितना हल्का फील होगा। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मुझे मेरे दोस्त ट्रिगर करते थे और एक ऐसा मोमेंट आया जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होने लगा, इतना कि मुझे डिप्रेशन जैसा फील होने लगा। मैंने क्या कि पीछे जा के समझने की कोशिश करी कि पॉइंट को पकड़ना शुरू किया कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, इतना पेन या इतनी बेचैनी या इतना डिप्रेशन। तो उसके हर पॉइंट को मैंने पकड़ना शुरू किया और पीछे जा के यानी कि पास्ट में जा के अपने चाइल्डहुड में जा के अपने सबकॉन्शियस की हेल्प से उस चीज़ को हील करना शुरू किया और मैंने देखा जैसे जैसे वो चीज़ हील होती जा रही थी पीछे, मैं प्रेजेंट में बिल्कुल लाइट फील कर रही थी, कोई अटैचमेंट फील नहीं कर रही थी और अपने आप में अपने आप को कंप्लीट फील कर रही थी और जो एक स्ट्रेस चलता था वो भी कम हो गया बिल्कुल। सो ये है। तो कभी किसी के साथ अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रही है तो उसका यही कारण है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। दूसरी बात एक और भी है कि अगर आप किसी से अटैच फील करते हो और अगर आप बहुत ज़्यादा उस इंसान के बारे में बात करते हो
बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हो, तो आप एनर्जेटिकली उसके साथ कनेक्ट हो रहे हो, मतलब एनर्जी लेवल पे आप उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, और फिर उस इंसान की एनर्जीज आपको भी फील होनी शुरू हो जाएगी अपने अंदर, तो फिर आपके लिए कॉर्ड्स भी जुड़ जाएंगे उसके साथ, उस इंसान के इमोशंस, विचार, सब कुछ फ्लो होंगे आपके अंदर, फिर आपके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा उसके उसके बगैर अपने आप को फील कर पाना, क्योंकि इतनी हैवी वो जुड़ चुकी है। किसी जैसे सिस्टर शिवानी का भी एक मैंने वीडियो देखा था कि मरे हुए इंसान से भी आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाते हो, मतलब आप में से कोई, या अगर मैं भी अपने फादर को बहुत ज़्यादा याद करूँ, बहुत ज़्यादा याद करूँ, तो दो तीन दिन के अंदर सपने में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एनर्जेटिकली जुड़ रही हूँ, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ संदेश दे देंगे। ऐसे ही आप कभी किसी हीरो हीरोइन को अगर आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और आप बहुत ज़्यादा उनको देखते हो, तो आप कुछ दिनों बाद देखोगे कि आप भी उन्हीं के जैसे कुछ ना कुछ कर रहे हो, उन्हीं के जैसे हेयर स्टाइल कर रहे हो, उन्हीं के जैसे बॉडी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनका वो तत्व, उनका जो वो है, वो आप, वो तत्व आपके अंदर भी जागृत होने लगता है, आप भी उनकी जैसी हरकतें करने लगते हो। ऐसे ही अगर कोई देवी का भक्त है, शक्ति का भक्त है, तो आप देखना कि वो तत्व बहुत ज़्यादा शक्ति की, दुर्गा माँ की पूजा कर रहा है राधा, तो वो शक्ति तत्व उसके अंदर भी जागृत होने लगेगा, उसके दिमाग में हमेशा शक्ति के को लेके ही चीज़ें चलने लगेंगी कि शक्ति का ये स्वरूप, शक्ति का स्वरूप, शक्ति का ये स्वरूप, मतलब बहुत कुछ उसके दिमाग में सिर्फ वही चलता रहेगा। कोई हनुमान जी का भक्त है तो अचानक से वो भी जैसे हनुमान जी की भक्ति में डूबा हुआ है, तो उसके अंदर वो तत्व जागृत होने लगता है, और उसको हनुमान जी के बारे में और डीप में, और डीप में कई और बातें हर वक्त उसके दिमाग में चलने लगेगी। तो ऐसे ही जैसे आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है, आपने अपने सामने वाले पर्सन के बारे में इतना ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर लिया है, इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच लिया है, इतना ज़्यादा उससे रिलेटेड कई जगह पे बातें कर लिया दोस्तों से, या कहीं जैसे टेलीविजन पे ऐसे के, मतलब अपने जैसे केसेस को आपने कहीं यूट्यूब पे सुन लिया हो, तो इतना ज़्यादा आपने एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर लिया कि वो चीज़ आपके अंदर छप गई है पूरी की पूरी बहुत बुरी तरीके से, और इसीलिए आप उस चीज़ से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोड़ लिया अपने आप से। तो जो एक छोटा सा एक सोल्यूशन है जो मुझे समझ में आता है, छोटू सा है बिल्कुल, कि अगर आप किसी से ऐसे बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हो कि आप अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहे हो उसके बगैर, और वहाँ सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वहाँ सामने से उस इंसान की आपके साथ उतनी अटैचमेंट नहीं है, वो रह पा रही है, रह पा रहा है आपके बगैर, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लिया उसके ऊपर, आपने अपने अंदर उसका तत्व जागृत कर लिया है पूरा का पूरा, और वहाँ से उसका कुछ नहीं है, तो इस केस में आप छोटी सी चीज़ करो, जितनी जगह से आप उसको लेके कनेक्टेड हो, आप किसी यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें सुनते हो, सुनना बंद कर दो, आप किसी दोस्तों से उस बारे में बात करते हो, उसके बारे में बात करना बंद कर दो, आप दिन भर उसका नाम लेते हो, नाम लेना बंद कर दो, और जब आप सब जगह से डिस्कनेक्ट कर दोगे, तो अपनी एनर्जी को किसी नॉलेजेबल जगह पे, या कोई मतलब जैसे लर्निंग, एस्ट्रोलॉजी लर्निंग, या कुछ और आपको पसंद है, ड्राइविंग क्लासेस, या कुछ भी एक्स वाई जेड, किसी और हाई वाइब्रेशनल चीज़ में इन्वेस्ट कर दो एक महीने के लिए, ठीक है। पहले आप इस चीज़ को 10 दिन करके देखो कि जितनी जगह से आप देखते हो, सुनते हो, या बात करते हो, बिल्कुल 10 दिन के लिए आप कहो कि 10 दिन के लिए मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ये चीज़ बिल्कुल मुँह से नहीं निकालूँगी, उसका नाम नहीं निकालूंगी मुंह से, मैं टेलीविजन, यूट्यूब पे इससे रिलेटेड कोई चीज़ नहीं देखूंगी, मैं कोई गाने वगैरह नहीं सुनूंगी फालतू के, और उतने 10 दिन आप अपने आप को किसी हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। फिर 10 दिन कंप्लीट हो गए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लाइट लगेगा, आप अपने आप में फिर से अच्छा फील करने लगोगे। फिर 10 दिन के बाद आप फिर से 20 दिन के लिए बनाओ इस प्रोग्राम को, उस दौरान आप अपने कि ऐसे दोस्त से मत बात करना जो इसी प्रकार की यात्रा में हो और आप अड्डा लगा के ये सब चीज़ें करते हो, नहीं करनी, और बस आप यही करते रहो, ना सुनो ऐसी चीज़ को, अपने अंदर आने ही मत दो उस चीज़ को बिल्कुल भी, और आप धीरे धीरे देखोगे कि आप निकल रहे हो इस जंजाल से, अटैचमेंट के जंजाल से जो है निकल रहे हो। हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटी मतलब आप कोई अच्छी किताब पढ़ लो, ठीक है, किसी काउंसलर
के संपर्क में हो जाओ जो आपको गाइड कर सकती हो या कर सकता हो। कोई क्लासेस ऐसी ले लो या कोई कोई डांस क्लास या जुम्बा क्लास ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ हाई वाइब्रेशनल स्टार्ट कर लो इतने दिन के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप करना ज़रूर उस टाइम पीरियड में, जब आप इस एक महीने के प्रोसेस को करोगे, उस टाइम पीरियड में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो, और जब जिससे भी आप रीप्रोग्राम कराओ, मुझसे या किसी और से, तो उस टाइम पीरियड में ये रीप्रोग्रामिंग कराओ कि मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। ऐसे करके आप एक रीप्रोग्रामिंग कराओ। और मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखूँगी, मैं अपने डाइट का बहुत अच्छा ध्यान रखूँगी, मैं अपनी फिटनेस पे फोकस करूँगी। जब आप ऐसी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कराओगे ना, तो अपने आप ही आप उन चीज़ों की तरफ जाने लगोगे। आप खुद से खुद में अपने आप को फील करोगे कि मुझे, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्यों मैं किसी चीज़ के पीछे इतना पागल हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मेरे अंदर ही शिव है, मेरे अंदर ही शक्ति है, मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपना बहुत ख्याल रखूँगी, मैं अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखूँगी, ठीक है, मैं अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखूँगी। तो ऐसी एक सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग आप करा लेना और फिर देखना कमाल, ऐसे आने लग जाओगे वापस ट्रैक पे। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस इंसान की एनर्जी को या तत्व को आप अपने अंदर जागृत करे बैठे हो, वो तो वो, साथ में आप उससे रिलेटेड चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सुन रहे हो, हर चीज़ में अपने आप को और उस इंसान को इमेजिन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों से उस बारे में बात कर रहे हो, हर रोज़ इसी बारे में विचार किए जा रहे हो। लेकिन जब आप अपने आप को पूरा रीप्रोग्राम करोगे तो आप देखिए ठीक हो रहा है सब कुछ। और इस बार आपको किसी और के लिए नहीं करना है, ये चीज़ सिर्फ आपको अपने लिए करनी है क्योंकि ये आपके बेटे के लिए है, ठीक है। सो ये था मेरा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।